Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel for more updates. How to prepare compulsory subjects? Compulsory subjects. How to prepare compulsory subjects? Prepare means that you are ready to deliver. That is called preparation. Because we have the formula of triple P. PPP. Plan, prepare, present. So here we see the word prepare in the middle. We plan. Plan means critical thinking. When you do critical thinking, so you are planning. And once you plan, then you start preparation. And once you are prepared, so you say, yes, I am prepared. I am ready to go to the battlefield. I can fight because I am ready. And then you present. Then you deliver your answers to the examiner. So how to prepare compulsory subjects? The word compulsory comes from compel. Compulsory, compel, compulsion. Compel means to force. That is an obligation. Compulsory ka matlab kya hai? Ki ye aap pe farz hai. Obligatory. Ye aapki majboori hai. Ye aapko karna padega. Koi aur chara nahi hai. So that is called compulsory. To hum kaise compulsory subjects ko tayar kare? Let's identify. Number one is essay. English essay or Urdu essay. आपने इंग्लिश में ऐसे लिखना है या पीएमएस एग्जाम में आपने उर्दू में ऐसे लिखना है. ये कंपलसरी है, ये लाजमी है. इसके बगैर जो है कोई चारा नहीं है. आपको तैयार होना पड़ेगा. ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है. तो ऐसे अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आपके पास इलम होना चाहिए, आपके पास जो है वो अदब होना चाहिए. जो अदब की चाशनी है, आपको कोसे कजह के रंगीनियों में, उसके रंगों में, आपने शफक और उफक के जो रंग है, जो उसका हसीन इम्तिजाज है, उसमें जाके आपने एक अदबी बात करनी है ताकि एग्जामिनर पे या आपकी रीडर पे उसका असर पड़ जाए. इसको कहते हैं लिटररी. तो इस वजह से हम ऐसे को भी लिटररी समझते हैं. वो आप उर्दू में लिखते हैं या आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन उसमें रिटोरिक्स या फिगर्स ऑफ स्पीच या जिसको फसाहत बलागत कहते हैं उर्दू में, फसीह बलीग तरीके से आपने अपना पैगाम जो है दूसरे बंदे को पहुंचाना है. एक साइंस है. साइंस में आप सादा तरीके से बंदे को समझाते हैं. भाई केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो आपने न्यूटन का फर्स्ट कानून है, सेकंड कानून है, उसको सिंपल सिंपल सादा सादा अल्फाज में बंदे को पहुंचाना है. ऐसे में सादा मादा नहीं है. ऐसे में आपने उसमें चाशनी डालनी है, उसमें मजा डालना है, उसमें तड़का डालना है. अब ये तड़का कहाँ से आएगा? ये ईडियम से आएगा, ये प्रवर्ब से आएगा, ये कोटेशन से आएगा, ये सिमिली से आएगा, मेटाफर से आएगा, जिसको उर्दू में इस्तेआरा या तशबीह कहते हैं, पर्सनिफिकेशन से आएगा. इसमें आपने अपने जो आपका तसव्वुरात है, जो आपकी जिंदगी के तजुर्बात है, जो आपके मुशाहिदात है, वो आपने एग्जामिनर को पहुंचाने हैं. तो ये उर्दू में है, इंग्लिश में है, जबान चेंज हो जाती है, चीज वही है. प्रेसी एंड कंपोजिशन जो है उसमें आपका प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस ट्रांसलेशन, ये चीजें जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट में शामिल है. अब वो अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं आते, आपको सेंटेंस नहीं आते, आप करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज आपको नहीं आते, आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको नहीं आते, तो फिर प्रेसी एंड कंपोजिशन को आप कैसे करोगे? जनरल सेंस एंड एबिलिटी 40 मार्क्स उसमें एबिलिटी की है. एमसी जो आपका वो है, आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, उसमें सीरीज होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें जो है आपके लॉजिक होता है, मैथमेटिक्स होता है, अरिथमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है. इसमें आपको ये पता चल जाता है. उसके अलावा उसमें एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उसमें जो है आपकी कंप्यूटर साइंस है, उसमें आपका क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल साइंसेज है. ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये तमाम चीजों आपको जनरल साइंस पे आपको पता होना चाहिए. करंट अफेयर्स तो बहुत बड़ी दुनिया है. करंट अफेयर्स में सिर्फ ये नहीं है कि भाई जो कुछ चल रहा है, आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका आपको मास्टर होना चाहिए. बहुत शुक्रिया.
Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.